हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, जो कि आया है गवर्नमेंट की तरफ से। पियोन के पदों में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले उसी के बारे में एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो। दोस्तों पहले आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सब कुछ। इस बार की जो वैकेंसी आया है पियोन की तरफ से, जिसमें आप लोग बहुत सारे जो है वैकेंसी निकल के आए, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, तो इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोगों को हर एक जानकारी दिया गया है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जॉब गवर्नमेंट जॉब करने वाले और जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आए जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो आया है एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे पियोन के पदों में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि पियोन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को बताया गया है। तो इसका पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी जो आया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और जीपीएससी की तरफ से, जितने भी वैकेंसी निकल के आया है पियोन के पोस्ट के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसमें अप्रॉक्स 91 टोटल वैकेंसीज है। ऑनलाइन में आपका एप्लीकेशन करना होगा। जो वैकेंसीज आए 91, जिसमें से एससी एसटी ओबीसी ऑल काइंड ऑफ कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग, वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, इसका ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। वहाँ से एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो है क्या चाहिए बता देता हूँ। जो सैलरी है 25,000 से 81,000 तक सैलरी आपको दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस एज फॉर द रूल, जो कि आप लोगों को पता है, आपका रिटेन एग्ज़ाम एंड आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने वाला है, जिसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको मैं यही बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो इस पोस्ट के लिए, देन आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका 10, 12 के ऑल काइंड ऑफ पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आया है 8 जून 2022 में, जिसका लास्ट डेट है 2 जुलाई 2022 तक। आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन में आवेदन करने के डेट भी दिया गया है, जिसकी डेट में आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। टोटल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है 91 टोटल पोस्ट है, सैलरी आपका 15,600 तक आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन में जिसका एप्लीकेशन करना, उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे नीचे अगर कुछ बता दिया गया उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। जो एज क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे देख सकते हो, जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि 18 से 35 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है वो लोग यहाँ पे 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते। जैसे कि देख सकते 3 से 5 ईयर्स के जो एज रिलेक्शन यहाँ पे भी दिया गया है, तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके पास का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग उसके थ्रू आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगा कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए। ऑनलाइन में एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी आप लोगों को हो सकते हैं आप लोग डाउन एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको करना होगा जल्द से जल्द, लास्ट जो डेट है वो यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो अभी के अभी जाके एप्लीकेशन कर सकते हो।